में याचिका दायर की है। याचिका में लॉरेंस ने कोर्ट से कहा चंडीगढ़ पुलिस कर सकती है मेरा फेक एनकाउंटर। चंडीगढ़ में शराब कारोबारी के घर और सेक्टर 9 के ठेके पर चली गोली के मामले में अग्रिम जमानत भी मांगी है। देवेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। देवेंद्र, याचिका में क्या कुछ कहा गया है और किस बात को आधार बनाया गया है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई ने जो यूपी में विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ है उसके बाद उसको डर लगा और डर लगने के बाद उसका जो वकील है तकबिंदर सिंह, उन्होंने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें 13 जुलाई को सुनवाई होनी है। लॉरेंस पिछली 2 साल से भरतपुर की सेंट्रल जेल सेवर में बंद है। उसने उस याचिका में कहा है कि चंडीगढ़ में जो शराब कारोबारी है अरविंदर लवली, उनके घर पे जो गोलीकांड हुआ, सेक्टर 9 में जो गोलीकांड हुआ, उन सबको लेकर उसमें जो पंजाब पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट मांग रही है और उसका कहना है कि प्रोटेक्शन वारंट के दौरान पुलिस उसका फेक एनकाउंटर कर सकती है, इसी को लेकर उसने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।